और सिंपली कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे देखो कंफर्म का ऑप्शन पे क्लिक करा, विड्रॉ ऑफ रेट सक्सेस हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाय एवरी फ्रेंड्स, आपका फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में रियल एस्टेट एप्लीकेशन में जो आपकी TNC होती है वो आप हॉटबिट में कैसे लेते हैं, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, बट आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हॉटबिट एप्लीकेशन में जो आप TNC लेते हैं रियल एस्टेट एप्लीकेशन से, वो आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ना विड्रॉ करने की प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको मिनिमम विड्रॉवल फीस आपको मतलब कि किस करेंसी में होगी, क्योंकि आपको TNC से अदर करेंसीज में चेंज करना होगा, फिर आपको यहाँ पे विड्रॉ करना होगा। अभी आपको बता दूँ कि कौन से एप्लीकेशन में भी काफ़ी ऐसी करेंसीज होती हैं जिसमें विड्रॉवल जो है वो बंद रहता है, और भी काफ़ी एप्लीकेशन है, बट मैं आज की इस वीडियो में आपको कन्फर्म ये बताने वाला हूँ कि आप अपनी जो TNC है वो मिनिमम विड्रॉवल फीस में और कम TNC में ही अपनी विड्रॉ मतलब कि जो TNC है वो विड्रॉ कर सकते हैं और इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, है ना। और अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी सबसे पहले लूट होती है, किसी भी एप्लीकेशन की अपडेट होती है, TNC किसी भी एप्लीकेशन की हो चाहे वो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करा दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। अब चलते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉटबिट एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी मतलब कि करेंसी में आपको चेंज करना है जिसमें विड्रॉवल फीस काफ़ी कम हो ना। अब जाता हूँ मैं फंड वाले ऑप्शन पे, अभी देख सकते हैं मेरे वॉलेट में अभी 225 TNC हैं, और ये कैसे विड्रॉ होंगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ ना। तो यहाँ पे तो मैं आपको बता दूँ कि हॉटबिट में तो लेना काफ़ी आसान है, बट हॉटबिट से आप इंडियन रुपीस में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें करेंसीज होती है मिनिमम TNC यहाँ पे विड्रॉ नहीं होती है। बट आज की वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन पहले से कलेक्ट कर ली थी कि आपको किस एप्लीकेशन में विड्रॉ करना है ना, किस एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है जिसमें सबसे कम विड्रॉवल फीस हो, है ना। अगर आप बार बार एक दूसरे से करेंसी में एक दूसरे में करते रहेंगे तो आपकी जो फीस मतलब कि TNC होंगी वो कम होती जाएंगी, क्योंकि एक्सचेंज करने पर भी TNC आपकी लगती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ BNB का। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हॉटबिट एप्लीकेशन में दो करेंसी ऐसी हैं जिसमें आपको मिनिमम आपको मिल जाएंगी TNC, आप मिनिमम भी विड्रॉ कर सकते हैं और फीस भी आपकी काफ़ी कम होगी, जिसमें आपका चार्ज भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं BNB में कर सकते हैं, और सेकंड होता है TRX। बट अब हॉटबिट एप्लीकेशन मतलब कि यहाँ पर TRX जो होगा वो आपका कौन सा एप्लीकेशन है जिसमें आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कौन सा एप्लीकेशन में अभी TRX अनेबल नहीं है, है ना। TRX अनेबल नहीं है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जाता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पे देखो BNB में अगर आप करेंगे, BNB में अगर विड्रॉ करेंगे तो मिनिमम आपके पास 520 यहाँ पे TNC होना चाहिए आपके वॉलेट में, है ना। अभी के टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ 520 वॉलेट में आपके मतलब हॉटबिट एप्लीकेशन में 520 अगर TNC है तो आप दोस्तों BNB में कन्वर्ट करके उसको यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर पाना। और दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि इसका चार्ज कितना लगेगा, तो 52 TNC आपकी फ़ीस लगेगी, है ना, क्या करने की, विड्रॉ करने की। अगर आप कॉइनसेस एप्लीकेशन में BNB को ट्रांसफ़र करते हो तो दोस्तों आपके पास 520 TNC होना चाहिए, जिसमें से आपका 52 TNC कट हो जाएंगे, यानी 52 TNC आपके मतलब चार्ज लग जाएगा। ये एक मेथड मैंने आपको ये बता दिया कि आप BNB में कर सकते हैं। दूसरी मेथड मैं आपको बताऊं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर लिया था ना, तो दूसरी होती है TRX। ये दोनों करेंसी ऐसी हैं जिसमें कम विड्रॉवल फीस में दोस्तों और कम TNC में आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। अभी देखो TRX का मिनिमम विड्रॉवल चार्ज है 86 TNC। अगर आपके पास दोस्तों 86 TNC या 86 TNC आपके पास हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, किसमें, TRX में, है ना, जिसमें आपका दोस्तों जो चार्ज रहेगा ना, जो फीस रहेगी वो रहेगी 43 TNC की। यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी अपने पहले ही से कर लिया था कि कितना चार्ज लगेगा, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोनों करेंसी मेरे मुझे मिली हैं जो मुझे पसंद आई हैं, और जिसमें आपका मिनिमम TRX मतलब कि मिनिमम चार्ज लगता है और मिनिमम TNC आप विड्रॉ कर सकते हो। बाकी की और TNC हैं, किसी में 1000, किसी में 2000, किसी में चार्ज ही काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, इसलिए दो करेंसी मैंने चॉइस की हैं, है ना। तो इसमें आपको 86 TNC लगेंगे TRX में आप करेंगे, और 43 इसका चार्ज लग जाता है। अब चलते हैं अपन हॉटबिट में। अभी देखो मैं चलता हूँ किसमें, कॉइनसेस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। आज बोल रहा हूँ कॉइनसेस एप्लीकेशन में। कॉइनसेस एप्लीकेशन में आने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, पहले तो मैं सर्च करूँगा TRX, है ना। तो यहाँ पे देखो TRX मैंने सर्च करा तो ये आ चुका है TRX। और यहाँ पे देखो TRX का भी जो डिपॉजिट सिस्टम है ना, यानी जो डिपॉजिट आप करेंगे हॉटबिट से इसमें, तो वो यहाँ पे दोस्तों बंद है। यहाँ पे देखो मैंने क्लिक करा, यहाँ पे देखो ट्रॉन डिपॉजिट करेंटली डिसेबल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर।
ये बता रहा है, तो मतलब कि TRX में आप नहीं कर सकते, किस में CoinSwitch में नहीं कर सकते, बट अदर प्लेटफॉर्म में आप कर सकते हैं। अभी वहीं मैं आपको बताऊंगा BNB में, BNB करा, ये BNB आ चुका है ना। तो गाइज देखो यहाँ पे BNB आ गया, अभी BNP मैंने क्लिक करा और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं BNB में आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। अभी देखो इसका एड्रेस आ रहा है, यानी आप BNB में ले सकते हो। बट BNB के लिए दोस्तों आपके पास कितनी TNC होना चाहिए, 520 TNC आपके पास होना चाहिए, तब यहाँ पे आप विड्रॉ कर सकते हैं किस में, BNB में, है ना। तो अगर आपके पास 520 TNC है तो आपको क्या करना है, CoinSwitch एप्लीकेशन को ओपन करना है। CoinSwitch एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सिंपली मैं आपको बता दूं कि आपको इसको कॉपी कर लेना जो एड्रेस आपका आएगा। एड्रेस आने के बाद सिंपली गाइस आपको जाना है विड्रॉ वाले ऑप्शन पे, विड्रॉ का ऑप्शन पे आपको जाना है। विड्रॉ का ऑप्शन पे जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना होगा BNB, BNP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे BNB कर दीजिएगा। यहाँ पे BNB का एड्रेस यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सेट कर लीजिए, मेरा ऑलरेडी सेट है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप कर देंगे तो जो आपका चार्ज लगेगा वो मैंने आपको बता दिया कि कितना आपका चार्ज लगेगा। देखो एक बार और मैं आपको बता दूँगा, अगर आप BNB में करेंगे तो BNB में आपका जो चार्ज लगेगा वो चार्ज होगा दोस्तों यहाँ पे देखो 52 TNC, आपका 52 TNC कट हो जाएगा और जो भी TNC बचेंगी 520 में से वो आपके दोस्तों CoinSwitch एप्लीकेशन में पहुंच जाएंगी। और उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि आपको मैंने बताया किस में, BNB में, है ना। BNB में आपका जो ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर आपके पास 520 TNC आपके वॉलेट में होती हैं, अगर आपके वॉलेट में नहीं है तो आपके फ्रेंड से रिलेटेड कोई होगा जिसके पास होंगी, आप उनसे BNB ले सकते हैं ना। अभी BNB की बात हो, यानी उसमें आप TNC ले सकते हैं और TNC लेने के बाद 520 TNC हो जाएंगी हॉटवेट में। उसके बाद आप पे CoinSwitch एप्लीकेशन BNB में कर सकते हैं। CoinSwitch एप्लीकेशन अगर आपको ID नहीं बनाई है तो आप बना सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, है ना, CoinSwitch एप्लीकेशन का। साथ में आपको उसकी फुल प्रोसेस मिल जाएगी कैसे आपको अकाउंट बनाना है। अब मैं चलता हूँ किस में कि TRX में आप नहीं कर सकते। बस TRX में आप कैसे करेंगे, तो TRX में करने के लिए आपके पास होना चाहिए बजीर एप्लीकेशन, है ना। बजीर एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो आप TRX में भी अपनी जो TNC है वो विड्रॉ कर सकते हैं, बट उसके लिए मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कैसे क्या हुआ। अभी देखो बजीर एप्लीकेशन आपका अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, है ना, वजीर एप्लीकेशन का। साथ में उसके वीडियो को भी मिल जाएगा कि कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं चलूँगा फंड वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे विड्रॉ करना है, यानी आपको इसमें डिपॉजिट करना है, है ना। तो आपको मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है, क्या सर्च करना है, TRX मैंने सर्च करा, ये आ चुका है TRX। अभी देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, विड्रॉ और डिपॉजिट। सिंपली डिपॉजिट का ऑप्शन पे क्लिक करा, यह अभी एड्रेस आ रहा है ना। तो एड्रेस आ रहा है यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, मिनिमम डिपॉजिट 0 TRX। इससे मतलब नहीं है, आप इसमें 0 मतलब 1 TNC भी डिपॉजिट कर सकते हैं, बट जहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ पे मिनिमम कितना है वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, आप जो एड्रेस आ रहा है वो आप हॉटवेट में डाल सकते हो। अभी इसके लिए आपको अकाउंट ओपन करना होगा, है ना। और मिनिमम मैं आपको बता दूं कि TRX का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि कितनी आपके पास TNC होना चाहिए तब यहाँ पे विड्रॉ आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको मिनिमम ही, ज़्यादा नहीं, अगर आपके पास 90 TNC भी हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं। देखो 86 TNC आपके पास हैं तो आप किस में कर सकते हो, अपने TRX में, है ना। TRX के लिए आपको यहाँ पे CoinSwitch में अकाउंट है तो नहीं चलेगा, क्योंकि CoinSwitch एप्लीकेशन में TNC यहाँ पे विड्रॉ नहीं हो रहा है। आपके लिए वजीर एप्लीकेशन को ओपन करना, वजीर एप्लीकेशन की ID बनानी होगी तब आप कर सकते हैं ना। वजीर एप्लीकेशन अगर आपके पास 100 TNC हो जाती है तब भी आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। 86 TNC होती है तो आप यहाँ पे वजीर एप्लीकेशन में TRX में कर सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, वजीर एप्लीकेशन में ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है हॉटवेट एप्लीकेशन में, है ना। हॉटवेट एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही हॉटवेट एप्लीकेशन में करता हूँ आपको करना होगा यहाँ पे क्या, विड्रॉ पे क्लिक। विड्रॉ पे क्लिक करने उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे जो करेंसी होंगी ना कुछ चेंज करनी होगी, ये मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। करेंसी चेंज करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, मार्केट वाला ऑप्शन पे जाना। पहले मैं आपको इसकी मेथड बता देता हूँ, बट बाद में मैं आपको देता हूँ करेंसी आप कैसे चेंज करेंगे। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है इसे मैं आपको जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे विड्रॉ वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, TRX पे क्लिक करना होगा। उसके बाद TRX जो एड्रेस है आप बजीर एप्लीकेशन से आप कॉपी करेंगे, प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, आपने जो एड्रेस है वो डाल दीजिएगा, रिमार्क में कुछ कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म करने के बाद गाइस आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो आ जाएगा। सिंपली अमाउंट देना है कितना आपका TRX अमाउंट है, है ना। और उसके बाद आपको देखो मिनिमम आपके पास 6 TRX होना चाहिए, है ना, विड्रॉ करने के लिए। 6 TRX की वैल्यू मैंने आपको बता दिया कि कितनी TNC है, 86 TNC होती है 6 TRX की वैल्यू आज के टाइम में, क्योंकि जो मिनिमम मतलब कि जो TNC का जो रेट है ना वो काफ़ी डाउन चल रहा है, इसलिए ज़्यादा TNC आपके पास लग रही है, नहीं कम ही लगती।
और मिनिमम फीस कितनी लग जाएगी, 3 TRX, यानी जो मैंने आपको बताया था कितनी TNC होती हैं 3 TRX की। आपको सिंपली यहाँ पे देना है अमाउंट कितनी है ना, क्या देना है, TRX देना है, 6 TRX के ऊपर आपको देना है, 6 TRX भी आप दे सकते हैं। उसके बाद विड्रॉ कर दीजिएगा, जो भी आप मतलब प्रोसेस OTP वगैरह आएगी आपके मेल वगैरह पे या मोबाइल नंबर पे, वो फिल कर दीजिए और आपकी जो TNC होंगी वो 3 TRX कट होकर आपके वजीरा एप्लीकेशन में इंस्टेंट के इंस्टेंट ऐड हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया। अब करेंसी कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। अभी आपके पास क्या है, TNC है। अब TNC आप कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना होगा TNC। मैंने TNC सर्च करा, आपको सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करा, अभी देखो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, ये देखो बीच में जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आ रहे हैं, TNC to BTC, TNC to ETH। तो TNC to BTC रहने दीजिएगा। सिंपली आपके पास जो भी TNC है वो सिंपली 100% कर दीजिए। अभी मेरे पास 457 TNC है, तो मैंने ये 457 TNC कर दिए हैं। अभी आपको क्या करना है, अभी मैं देखो वजीरा एप्लीकेशन में आपको करके बताने वाला हूँ, बस वीडियो पर नहीं रहेगा। अभी मैंने 457 TNC करी है, मेरे पास कितना हो गया है यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने बाय TNC के ऑप्शन पे, सॉरी मुझे करना क्या होगा कि सेल करना है, सॉरी है ना, सेल पे क्लिक करा। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास कितने 225 TNC हैं, तो सिंपली मैंने 100 का ऑप्शन पे क्लिक करा, उसके बाद सेल TNC का ऑप्शन पे क्लिक करा, RESWARE कंफर्म कर दिया, कंफर्म यहाँ पे हो चुका है ऑर्डर सबमिट। और यहाँ पे आप वो ऑर्डर नंबर भी देख सकते हैं ना, कुछ ही देर में ये हो जाएगा। मैं फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकता हूँ TRX में अभी आया है कि नहीं, सॉरी मैंने अभी किस में करा है, बिटकॉइन में, अभी बिटकॉइन में आ चुका है जैसे देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बिटकॉइन से करना है TRX में, है ना। तो इसकी भी आपको फीस वगैरह देना होगी, फ्री में नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। अभी मैं क्या करता हूं कि मुझे बिटकॉइन में है, तो बिटकॉइन का ऑप्शन पर मैं क्लिक करा, बिटकॉइन पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद सिंपली सेल टू बिटकॉइन, बिटकॉइन पे सेल करने के बाद मुझे कितने करना है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करा। अभी देखो यहाँ पे और ऑप्शन आ रहे हैं कि BTC to USD, तो ये पे नहीं होगा। अब आपको करना क्या होगा TRX में करने के लिए, वो भी मैं आपको बता दूं, है ना, तो बस वीडियो पर बने रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्ट यहाँ पे सेल नहीं कर सकते अपनी जो बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन है आप यहाँ पे TRX में नहीं कर सकते, तो आपको सेल नहीं करना है, आपको क्या करना होगा, बाय करना होगा। आपको मतलब कि अपने बिटकॉइन से क्या करना होगा, जो TRX ना वो बाय करने होगा। तो बाय करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, TRX आपको सर्च करना है। TRX सर्च करने के बाद आपको सेल पे नहीं करना है, सेल TRX नहीं करना है, क्योंकि आपके पास अभी TRX नहीं है, बट आपके पास बिटकॉइन है, तो आपको बाय TRX के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाय TRX के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जो बीच वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन दिख रहा है ना, TRX to BTC, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके जो भी बिटकॉइन में कन्वर्ट हुए हैं आपको 100% का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो अभी देखो कितना है, 2.66 TNC है, यानी बिटकॉइन है, यानी जो बिटकॉइन की वैल्यू है ना वो $2.66 है। अभी मेरे पास जो बिटकॉइन है वो ये है, और इसकी जो वैल्यू है TRX में वो यहाँ पे ये है 44, है ना। तो सिंपली मैं बाय TRX के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ऑर्डर सबमिट हो चुका है। अभी मेरी जो मतलब कि बिटकॉइन था ना वो किस में कन्वर्ट हो गया है, अभी मैं आपको बता दूं, वो कन्वर्ट हो गया है TRX में। अभी देखो मैंने बाय करा, अभी मतलब कि ऑर्डर मतलब कि यहाँ पे सबमिट तो हो चुका है, बट यहाँ पे सक्सेसफुल देखते हैं हुआ है कि नहीं। अभी मेरे पास 5.9 बता रहा है, बट मतलब कि अभी नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। ये करेंगे ना तो आपका जो अमाउंट होगा ना वो TRX में कन्वर्ट हो जाएगा। TRX में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो वेट कर लें तो कुछ देखिए, सिंपली 2 मिनट के अंदर ही मेरी जो यहाँ पे मैंने बिटकॉइन से TRX बाय किया था, यानी है ना बिटकॉइन से TNC बाय करा था। आपको सेल नहीं करना है, आपको बाय करना है, जो मैंने आपको बताया सिंपली वो ही करना है आपको, तभी आपका मतलब कि यहाँ पे TNC से क्या होगा, आपका मतलब कि यहाँ पे TRX में होगा। अभी देखो मेरे पास कितने 4 TRX थे, अभी मेरे पास 50 TRX वैल्यू हो चुकी है, जिसकी वैल्यू है $3। अभी देखो 50 TRX हो चुके हैं ना, 1 TRX की वैल्यू अभी 4 रुपये या 3 रुपये चल रही है। तो अभी आपको करना क्या होगा, अभी देखो मैं आपको बता दूं कि मैंने करा क्या है, TNC से TRX कैसे परचेज करा, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वीडियो को फुल वॉच कीजिए जिससे आपको यहाँ पे इशू नहीं होगा। अभी देखो मैं यहाँ पे मैंने जो करा था वो मैं आपको बता दूँ, मोर का ऑप्शन पे क्लिक करा, और यहाँ पे देखो ऑर्डर हिस्ट्री का ऑप्शन पे मैंने क्लिक करा। अभी देखो मैंने क्या करा था कि मेरे पास क्या थी, TNC थी, इसको ध्यान से देखिएगा, TNC थी, मैंने TNC से क्या बाय करा मतलब सेल कर दिया TNC को बिटकॉइन में, है ना, TNC को क्या कर दिया, सेल कर दिया बिटकॉइन में। सेल करने के बाद मेरे पास बिटकॉइन आ चुके हैं, बिटकॉइन से मैंने बाय कर लिया, फिर आपको जो सेल करा था ना आपने, फिर आपको बाय करना होगा, आपको बिटकॉइन से TRX बाय करना होगा। जैसे मैंने बिटकॉइन से TRX बाय करा तो मेरे पास 50 TRX आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ना। अब मैं करता हूँ विड्रॉ, विड्रॉ का ऑप्शन पर मैंने क्लिक करा,
सिंपली मैंने TRX का ऑप्शन पे क्लिक करा। TRX का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली जो मेरे पास एड्रेस है, एड्रेस का ऑप्शन पे क्लिक करा, जो मेरे पास बजीरस का मैंने जो कॉपी करा था, सिंपली एक बार और कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी का ऑप्शन पे क्लिक करा, सिंपली यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कॉपी हो चुका है, अब कॉपी हो गया है। उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे TNC पे, मतलब कि TRX वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे मैंने फिट कर दिया। रिमार्क्स में लिख देता हूँ डिपॉजिट या विड्रॉ, है ना, तो यहाँ पे विड्रॉ लिख देता हूँ। सिंपली मैंने विड्रॉ लिख दिया, है ना, उसके बाद कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे बता रहा ऑलरेडी, यानी मेरा जो एड्रेस है ना ऑलरेडी यहाँ पे सेट है। तो सिंपली मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ पे देखो आखिरी में DTA एक बार और चेक कर लेता हूँ। एक बार चेक आप भी कर लीजिएगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्या लिखा है? F6DT क्या है? F6DT, और यहाँ पे क्या आ रहा है? F6DT, मतलब यही वाला एड्रेस है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको पूरे TRX करना जितने आपके अकाउंट में, सिंपली ऑल का ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अभी मेरा देखो तीन TRX है ना, वो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कटेगी, इसमें से फी लगेगी। यहाँ पे जल्दी से कर देता हूँ, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है। और यहाँ पे देखो मैंने सिंपली विड्रॉ ऑप्शन पे क्लिक करा, अभी मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ईमेल वेरिफिकेशन और मोबाइल नंबर। इन मोबाइल नंबर और ईमेल पे और गूगल ऑथेंटिकेशन, तीनों पे मेरे पास करना होगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पे जो OTP सेंड, दोनों पे तीनों पे OTP सेंड कर देता हूँ दोनों पे, और गूगल ऑथेंटिकेशन मतलब कर देता हूँ कन्फर्म। तीनों पे मैंने कर दिया, मेरे पास OTP आने वाला, जल्दी से मैं फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने तीनों मतलब फिल कर दिया और सिंपली कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे देखो कंफर्म का ऑप्शन पे क्लिक करा, विड्रॉ ऑफ रेट सक्सेस हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस इंस्टेंट के इंस्टेंट मुझे रिसीव हो जाएंगे, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो बस वीडियो पे यहाँ पे बने रहिएगा, पूरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। ऑलरेडी मैंने पूरी प्रोसेस आपको बता दी। अभी देखो मेरे पास TRX है ना, TRX पूरे डाउन हो चुके हैं, मेरे पास कोई भी TRX नहीं है। यहाँ पे ऑडवेट से यहाँ पे कट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं जाता हूँ किसमें, बजीरा एप्लीकेशन में, जहाँ पे मैंने यहाँ पे करा है। तो इसमें देखिएगा मैंने जैसे बजीरा एप्लीकेशन में किया था ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी प्रोसेसिंग में $47 यानी 47.4 TRX अभी किसमें है, प्रोसेसिंग में। तो कुछ देर में यहाँ पे कन्फर्मेशन हो जाएगा, सिंपली मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, कुछ देर में हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 1:37 में हुआ, अभी 1:38 हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1-2 में सिंपली यहाँ पे कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो थोड़ी देर का और मैं वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों बूम यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ देर में मैंने यहाँ पे 1:37 में जो विड्रॉवल लगाया था किसमें, हॉटविट से यहाँ पे बजीर का एप्लीकेशन में, है ना, कितना 47.4 TRX का। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है 1:41, यानी आपको बता दूँ कि 4-5 में आपका जो विड्रॉवल है, मेरा विड्रॉवल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखो आप बैलेंस देख सकते हैं 307, है ना, अभी इसमें पहले से था बट यहाँ पे 150-200 रुपये के समथिंग यहाँ पे ऐड हुआ है। तो 47 का आप देख सकते हैं अभी की प्राइस में क्या रेट चल रहा है ना, वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आप विड्रॉ कैसे कर सकते हैं बजीर एप्लीकेशन से, वो मैं अभी आपको बता दूँ। बट एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था कि वीडियो को लास्ट में मैं बताऊँगा, बजीर एप्लीकेशन में एक प्रॉब्लम की आपको यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए, आपको दोस्तों इसमें आपको 1,000 रुपये होना चाहिए आपके वॉलेट में, है ना। आप यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में तो जो बैलेंस हुआ वो आप यहाँ पे सेल करके आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने क्या करा कि अभी यहाँ पे TRX है ना TRX मैंने विड्रॉ करा, और विड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पे पेट्रोवल जो भी है 5 रुपये फीस यहाँ पे लग जाएगी आपकी, है ना, फी आपकी लगेगी 5 रुपये। यहाँ पे देख सकते हो पेट्रोवल ऑल का ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया, अभी मेरे पास 67 TRX है और मुझे 62 रिसीव होगी, 5 TRX आपकी यहाँ पे कट हो जाएगी, 3 TRX वहाँ पे कट होगी और 5 यहाँ पे होगी। टोटल दोस्तों आप देख सकते हैं 8 TRX आपके कम हो जाएंगे, है ना। उसके बाद आप दोस्तों आपको जो अमाउंट होगा वो किस में आ जाएगा, बजीरा का एप्लीकेशन में पूरी तरीके से इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस का ऑप्शन पे जैसे करूँगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके इंडियन रुपीज़ में, यानी है ना इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, तो विड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, क्लिक करना है और विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे विड्रॉ का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे लोडिंग हो रहा है अभी, है ना, तो वेट कर लेते हैं कुछ देर का। और यहाँ पे देखो सिंपली आपको इंस्टेंट विड्रॉ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद देखो अभी अब विड्रॉवल ऑल के ऑप्शन पे मैंने क्लिक करा, मेरे पास अभी अमाउंट कितना है जो अभी मैंने करा नहीं है ना, क्योंकि मैंने अभी करा है, मुझे करना नहीं है। तो उसके बाद आप करेंगे तो यहाँ पे देखो मिनिमम विड्रॉवल आपको 1,000 आपके पास होना चाहिए तब आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास दोस्तों 200 रुपये भी हो जाते हैं तो आपको करना क्या होगा कि इसमें आप 800 रुपये और ऐड कर सकते हैं, है ना, या 1,000 रुपये और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पूरा मनी जो होगा वो आप दोस्तों यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको मिनिमम विड्रॉवल होगा इसमें 1,000 रुपये, तो वो आपको यहाँ पे ऐड करके ही करना होगा। और आपके पास ज़्यादा TNC होंगी तो वो हो जाएंगी, वैसे तो इतनी TNC आपके पास नहीं होंगी कि 1,000 रुपये हो जाएँ। अगर नहीं होते हैं बजीर एप्लीकेशन में 1,000 रुपये, तो आप ऐड मनी करके इसमें बजीर एप्लीकेशन में 1,000 रुपये ऐड कर लीजिए, जो भी सारा मनी होगा वो आप फिर से यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं।
तो आई होप दोस्तों मैंने जो आपको पूरी प्रोसेस बताई है आपको समझ में आ गई होगी। और मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे बजीर का एप्लीकेशन में अकाउंट वगैरह कैसे सब ओपन करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी वीडियोज़ का जो भी मैंने आपको बताई है। तो ऑल प्रोसेस मैंने आपको A to Z बता दी है कैसे आपको क्या करना होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ऑर्बिट एप्लीकेशन में मैं आपको बता दूं कि ऑर्बिट एप्लीकेशन में जो भी प्रोसेस थी कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, BNB में कर सकते हैं, यहाँ पर आप TRX में, मतलब TRX में करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना होगा TNC को, मतलब TRX करने के लिए। और यहाँ पे BTC में करने के, मतलब कि सॉरी BNB में करने के लिए सिंपल सा है आपको कौन से एप्लीकेशन में करना है जिसमें 520 TNC आपके पास होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लेना टेलीग्राम चैनल को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।